महाराजा दलीप सिंह के पुत्र प्रिंस विक्टर अल्बर्ट जय दलीप सिंह का लंडन स्थित डिटल पोल्टन हाउस निवास हुन नीलाम हो जा रहा है। इसकी राखवी कीमत 1.50 करोड़ ब्रिटिश पौंड रखी गई है। 19वीं सदी में सिख समाज के पतन पिछों इसके ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो गया सी। महाराजा दलीप सिंह इंग्लैंड जलाल वतनी का जीवन बतीत करना पिया। महाराजा दलीप सिंह का पुत्र प्रिंस विक्टर 1866 ईस्वी लंडन में पैदा होया। उस दी पूरी निगरानी महारानी विक्टोरिया ने की। बाद लेडी एनी कोवेंट्री नाल विआह पिछों विक्टर नूं एक घर सरकार वलों रहने लई तोहफे वजो दिता गया सी। इस घर विच विक्टर दे रहने लई हर तरह की सहूलियत मौजूद है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत दे राजकारी सी ने एक घर टोकन मनी लैके महाराज दलीप सिंह दे परिवार नूं दे दिता सी। सो हुण इस घर नूं वेखण लई लगा दिता गया है। 19वीं सदी में सिख साम्राज्य के आखिरी वारिस महाराजा दिलीप सिंह के पुत्र प्रिंस विक्टर अल्बर्ट जय दिलीप सिंह का घर बिक्री लई उपलब्ध किया गया है। महाराजा दिलीप सिंह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का सब तो छोटा पुत्र सी, जिसनों की एंग्लो सिख युद्ध तो बाद 1849 विच तख्त तो हटा दिता गया सी अते इंग्लैंड की गुलामी दे विच भेज दिता गया सी। प्रिंस विक्टर महाराजा दिलीप सिंह अते महारानी बंबा दा सब तो वड्डा पुत्र सी अते जो कि इस आलिशान घर दे विच रहिंदा सी। इस घर दी कीमत लगभग 1.5 करोड़ पाउंड या लगभग 150 करोड़ रुपए है। विक्टर अल्बर्ट दिलीप सिंह ते उना दी पत्नी बंबा मेलूर ने सब तो वड्डे बेटे सन। इस तो अलावा उना दी एक बेटी भी सी सोफिया। लंडन के दक्षिण पश्चिमी किंगस्टन इलाके विच पंज कमरे वाला ए आलिशान घर है द लिटल बोल्टन। प्रिंस विक्टर नू लेडी एनी ऑफ कोवेंट्री नाल व्याह करान मगरों जनवरी 1898 के बाद यह घर मिलिया सी। यह घर जॉन स्पाइसर ने 1868 के विच बनाया सी। इस घर का डिजाइन आर्किटेक्ट जॉर्ज गॉडविन ने तैयार किया सी। उदे बाद ही इस जायदाद नू ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद दिता सी। उदे बाद ही इस जायदाद नू निवेश करन लई रजिस्टर कराया गया सी, जिस तो किराए दा आमदनी आ सके। ये जायदाद हुन निजी मालकियत विच है। साल 2010 दे विच इस घर दी मरम्मत कराई गई सी ते इस घर नू मॉडर्न रूप दे विच तैयार किया गया सी। 5613 स्क्वेयर फिट दे विच ए घर बनाया गया सी, जिदे विच 5 बेडरूम 2 ड्राइंग रूम फैमिली रूम 1 ब्रेकफास्ट रूम अते जिम शामिल ने। अनमोल कौर, PTC News, लंदन।